ठीक है। और और इसके जो अलावा अपनी वो सब इसके अलावा जो अपनी प्लानिंग बनाई कि कैसे कैसे हर हफ्ते में कितना होना हाँ चाहिए, 1 महीने में कितना होना चाहिए, और कितने जी लोगों से मिल के रिजल्ट आता है उसके लिए कितने लोगों से मिलना होगा, तो ये सब जी प्लानिंग बनाई बैठ के। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे काम के अंदर, हमें अच्छे से प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपने काम के बारे में लगातार प्लानिंग की जरूरत पड़ती है कि हमें क्या क्या करना है, और उसके बाद सबसे पहले हम डिसाइड करें क्या क्या करना है, और उसके बाद वो सारा का सारा काम करना है। और कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे? यागी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैडम आई है हमारे पास आज की मीटिंग में सुबह, मैडम कुछ बोलना चाहेंगे? हरिराम जी आप अपना माइक ऑन करके बोलिएगा, जो भी साथी बोलेंगे माइक अपना जरूर ऑन करके बोलिएगा। सिन्हा साहब गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड जी, मॉर्निंग बताइए कुछ एवरीबॉडी। आप कहना चाहेंगे? जी हाँ जी, आपकी एक्टिविटीज के बारे में क्या क्या लोगों से बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है, कि लोगों से बात करने में डर लग रहा है, कि लोगों से बात करने में खुशी हो रही है, कि नए लोगों से इंश्योरेंस के बारे में बात करने में अच्छा लग रहा है या तो खराब लग रहा है, या तो हेजिटेशन हो रहा है, या तो घबराहट हो रही है, या तो डर लग रहा है, या तो आलस आ रहा है, या तो क्या हो क्या रहा है, कुछ भी बात आप बताना चाहेंगे, कोई भी बात, किसी भी तरह की बात। त्यागी जी और हरिनाम जी आप यदि बताना चाहें तो आप ऑन करके बताइएगा माइक, क्योंकि आपका माइक जो है मैंने बंद कर दिया है जिससे कि शोर ना हो, तो आप अपना माइक ऑन करके बताइएगा। जी बताना चाहेंगे? नहीं। हम लोग शुरुआत करते हैं, वैसे भी हमारे आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हमारा जो दीपक जोशी जी के साथ में एक जूम क्लास है आईओई का, डीओ का। तो हमारा आज का पहला टॉपिक जो है, पहला टॉपिक है उसमें लिखा है एलआईसी एजेंट का काम क्या है। तो हम सारे के सारे एलआईसी एजेंट हैं, तो हम लोग मतलब ये वाला जो है मेरे ख्याल से ये वाला तो जिस दिन हम एजेंट बने थे शायद उस दिन हमें पता लगा था या तो नहीं लगा था, ये मालूम नहीं है, लेकिन हमारा काम क्या है, तो कौन सा थे इसके बारे में बताना चाहेंगे कि हमारा काम क्या है? अपना माइक ऑन करें और माइक ऑन करने सर के बाद बताएं कि आपका काम क्या है, है एलआईसी लोगों एजेंट का से काम मिलना क्या है? मिलना मिलना, पैसे ओके, मांगना, मिलना काम है, और बोलने से बिकता है, सोचने लोगों से से होता पैसे है, मांगना काम है। मांगने से मिलता है। अरे वाह क्या बात है, सीधा बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सा है, और कोई काम नहीं है सर, बाकी काम डेलीगेट करने का ठीक है। है बढ़िया, इसके और कौन अलावा साथी बताना चाहें? जी बताइए बताइए मनीष जी बताइए। यस सर, हमारा जो मेन काम है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, वो लोगों से मिलना, नए लोगों से, वो भी नए लोगों से मिलने का काम होना चाहिए, यस ठीक सर। है, बहुत बढ़िया बताया आपने। काम सर ऑटोमेटिक होगा, उसके लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ जी अगर जी मिलेंगे हाँ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि काम ना मिलेंगे हो। तो होगा, यस सर, कोई हाँ मिलेंगे तो होगा, कोई राइट। कोई कह रहा है कि काम नहीं हुआ, तो सबसे पहले बस यही पूछा जाए कितने लोगों से मिले। हाँ हाँ ठीक बात है, ये बात तो है, ठीक है। और और हमारा क्या काम है एलआईसी एजेंट होने के बाकी नाते? तो सब फिर हो ही जाता है सर। सबसे पहला तो जो काम है बाकी हो वो जाते हैं लोगों खत्म से। किया हाँ जाए। यस सर, बाकी फिर रिलेशनशिप भी बन हाँ जाती ठीक है, है ठीक सर्विसिंग भी हो जाती है है, सब कुछ हो जाता है सर। लेकिन सबसे, हाँ क्योंकि मिलेंगे नहीं तो हाँ सर्विसिंग क्या होगी? कुछ भी नहीं, जब काम ही नहीं होगा तो सर्विसिंग किसको देंगे? ये बात तो ठीक है, और ये बात आदमी की तो रिलेशनशिप किस काम की? फिर कौन करेगा ऐसे आदमी के साथ रिलेशनशिप जो अर्निंग नहीं होगी? ठीक बात, नए लोगों को मिलेंगे तभी पैसा आएगा, मिलेंगे तभी रिलेशनशिप बिल्कुल होगी, सर, नए लोगों को मिलेंगे तभी सेल बिल्कुल सर, होगी। जी और बिल्कुल सर। किसी जी को गिफ्ट कोई देना है साथी तो कुछ उसके बताना लिए भी चाहे? जरूरी है ये चीज। जी जी हाँ हाँ अच्छा यस सर, ठीक है अगर बढ़िया, इनकम ही नहीं होगी तो फिर गिफ्ट साथ देंगे हाँ ये भी बात ठीक उसको। है, सबसे पहले तो इनकम होना जरूरी है, बिल्कुल इनकम सर, होएगी तब हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, बात तो ठीक बिल्कुल है सर। जी। और और गाड़ी है तो उसको यूज कर सकते हैं, अगर इनकम होगी उसको
को परचेज करना, बिजली की परचेज करना जी, और रेस्पेक्ट भी तभी बढ़ेगा, पढ़त भी मंदी तभी होगा जब खुद के पास कुछ होगा जी 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 ठीक है। और इस सब के बीच में सब फिर वही बात आ जाती है, कुछ भी नहीं हो, जीरो इन्वेस्टमेंट, लेकिन मिलना जरूरी है जी। ठीक है, बढ़िया। और कोई साथी बोलना चाहते हैं? एलआईसी एजेंट का काम क्या है, एजेंट होने के नाते हमारा काम क्या है? हम एलआईसी एजेंट हैं, हमें एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल, पंद्रह साल, बीस साल हुआ, बाईस साल हुआ, भाई हमारा काम क्या है? हमें ये तो क्लियर होना चाहिए ना, तो हमारा काम क्या है भाई? क्या बात है, सभी को इसके बारे में जवाब देना है। त्यागी जी, हरिराम जी, सिन्हा साहब, एलआईसी एजेंट का काम क्या है, मैडम को भी जवाब देना है, और अपना माइक ऑन करके जवाब देना है। सबसे पहले अपना माइक ऑन करना है, माइक ऑन करने के बाद जवाब देना है, क्योंकि मीटिंग में मैं एक एक करके माइक बंद करता रहता हूँ जिससे कि आवाज की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो बताएं, हेलो, आवाज आ रही सर? बताएं बताएं। अरे परफेक्ट आवाज आ रही, बहुत बढ़िया आवाज आ रही, बोलिए। जनहित और राष्ट्रहित। हाँ जी सर, प्रथम जनहित, हमारा प्रथम कार्य है जनता का हित करना। जनहित, जनहित सर, क्या करें, हमारा प्रथम कार्य क्या है? जनहित, जनता का हित करना। ओके, और दूसरे नंबर पर जनता का हित करना। जनता का क्या हित करना है? जनता का क्या हित करना है? उनकी उन्हें जागरूक करना, उनकी लाइफ सिक्योर करना, भविष्य सिक्योर करना। ओके, और क्या काम है हमारा? ओके, और क्या काम है हमारा? और उसके साथ उसका दूसरा काम है राष्ट्रहित, जनता का हित करेंगे, उसके बाद राष्ट्र का हित होगा। राष्ट्र का हित करना है, जनता का हित करना है, और क्या करना है? और उसमें फिर अपना हित होगा, अपना हित होगा, जनता का हित होगा, राष्ट्र का हित होगा। ओके भैया त्यागी जी, और कोई साथी बोलना चाहेंगे? हमारा काम क्या है एलआईसी एजेंट होने के नाते, हमारा काम क्या है? जैसे डॉक्टर का काम होता है मरीजों का इलाज करना, जैसे बिल्डर का काम होता है बिल्डिंग्स बनाना, जैसे इलेक्ट्रीशियन का काम होता है बिजली का काम करना, रिपेयरिंग करना, जैसे प्लम्बर का काम होता है नल का काम, वो नल की रिपेयर करना, नल लगाना, है ना, जैसे पेंटर का काम होता है पेंट करना, ऐसे हर एक का काम बटा हुआ है। जैसे पायलट का काम है एरोप्लेन उड़ाना, जैसे ड्राइवर का करना, काम क्या है बताइए, सबको बताना है। हमारा काम है सभी लोगों से मिलकर बीमे की बात करना, उनसे पैसा मांगना, उनको प्रेजेंटेशन देना। जी जी, सबसे मेन काम है। अगर मिलेंगे नहीं तो जनता का हित कैसे होगा? ना अपना होगा, ना जनता का होगा, ना राष्ट्र का होगा। जी, जनता का हित भी तभी होगा जब मिलना तो पड़ेगा, बिना मिले थोड़ा ही होगा। सर गुड मॉर्निंग, जी। तो हमारा सबसे ज्यादा जरूरी काम है, इस सारे के सारे डिस्कशन में ये निकल कर आया है। वैसे तो ये डिस्कशन कोई ज्यादा हो नहीं पाया क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन सबका नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ है उस डिस्कशन से ये निकल कर आया है कि हमारा काम है रोजाना नए लोगों को मिलना, कम से कम पांच नए लोगों को मिलना। इस टॉपिक को हम कल दोबारा से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज का हमारा 7:55 तक का टाइम था और अभी 8 बजे मेरा एक और जूम मीटिंग शुरू हो रहा है, तो इस वजह से इस टॉपिक को हम कल सुबह दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। हमारा काम एलआईसी एजेंट होने के नाते कम से कम पांच नए लोगों को मिलकर उनको इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करने का है। तो इस काम को थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लें और बीमा बेचने की कोशिश करना है, पैसा मांगना है कम से कम पांच नए लोगों को। आपका काम MDRT बनना नहीं है, आपका काम समाज का भला करना नहीं है, आपका काम अपना भला करना नहीं है, आपका काम देश का भला करना नहीं है, आपका काम लोगों का भला करना नहीं है, आपका काम प्रेजेंटेशन करना नहीं है, आपका काम POT करना नहीं है, आपका काम टोर मेंबर बनना नहीं है, आपका काम ट्रॉफी जीतना नहीं है, आपका काम कटोरी चम्मच प्लेट ग्लास बेडशीट ये सब चीजें जीतना नहीं है। आपका काम क्या है?
रोज 5 नए लोगों को मिलकर उनको बीमा बेचने की कोशिश करना, प्लस जो पुराने हैं उनको फॉलोअप करना है। सो इसी के साथ हम लोग क्लोज करेंगे, हमारे पास समराइजिंग का समय आज नहीं है। और एमडीआरटी एजेंट आपकी ब्रांच के हैं किशन भट्ट, एमडीआरटी उन्होंने क्वालिफाई किया है पहले। कल त्यागी जी से मुलाकात हुई थी, त्यागी जी के साथ, त्यागी जी के पड़ोसी हैं विनोद नगर में, वहीं पर रहते हैं। और पहले एक छोटी सी दुकान करते थे, दुकानदारी में जो कमाते थे उससे ज्यादा आज अपनी एमडीआरटी एजेंसी में कमा रहे हैं। रिबेटलेस काम करते हैं, बहुत शानदार काम करते हैं, अनजान लोगों को रोजाना मिलते हैं। और मैं तो 5 की बात कर रहा हूँ, वो कभी कभी तो वो मेरे ख्याल से 10 या 12 या 15 को भी मिल जाते हैं। सो संडे को आएंगे सुबह 10 बजे हमारी जूम मीटिंग में। तो कल त्यागी जी साथ में थे तो हमने कल त्यागी जी के साथ में मिलते हैं, आगे की ब्रांच 136 के एजेंट हैं। तो आप में से कौन कौन आना चाहेंगे इस वाले संडे वाले प्रोग्राम में, और किशन भट्ट जी को मिलना चाहेंगे? संडे सुबह 10 बजे आप आएंगे, सो संडे मिलते हैं। फिलहाल हम कल मिलेंगे, कल सुबह का हमारा जो टाइम है, कल सुबह का हमारा वही जो यूजुअल टाइम है, मेरे ख्याल से 45 या 8 है ना, जो भी है, व्हाटएवर जो भी टाइम है, तो वो टाइम वो सारा आपको बताया हुआ है। तो कल दोबारा से मुलाकात करते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। आज कम से कम 5 लोगों को मिलिए जिससे कि आपका पॉलिसी बिकने का संभावना बढ़ सके। बाय बाय, सी यू, बाय नेक्स्ट।